गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा, लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं आपको कक्षा सातवीं हिंदी प्रथम का पाठ दो छोटा जादूगर, जिसके लेखक या फिर नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। पिछले वीडियो में हमने नाटक को पढ़ लिया था। आज के इस क्लास में हम सबसे पहले एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम नाटक को वापस से रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम प्रश्नोत्तर की पीडीएफ को रीड करेंगे। तो आइए देखते हैं एनिमेटेड वीडियो। नेपथ्य से कार्निवल के शोर व चहल पहल की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। रंगमंच पर कुछ दुकानें हैं, मेले में रौनक छाई है। जयशंकर जी कार्निवल का आनंद ले रहे हैं। अचानक रुककर एक बालक को देखते हैं। बालक शरबत पीने वालों को देख रहा है। एक फटा कुर्ता पहने है, गले में मोटी सूत की रस्सी पड़ी है तथा जेब में ताश के पत्ते हैं। जयशंकर जी उसके पास जाते हैं। जयशंकर जी, क्यों जी, तुमने मेले में क्या देखा? लड़का दुकानों की ओर इशारा करते हुए, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, वहाँ खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, उस दुकान में तीर से नंबर छेदते हैं। जयशंकर जी, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना सबसे अच्छा लगा। और जादू का खेल? अरे जादूगर तो बिल्कुल बेकार है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उस पर्दे के पीछे क्या दिखा रहे हैं, तुमने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। वहाँ टिकट लगता है, मैं कैसे देखता? तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आज मेले में तुम ही मेरा साथ दो। वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए कहीं निशाना लगाया जाए। तो फिर चलो पहले शरबत पीते हैं। ठीक है, चलिए। दोनों शरबत की दुकान पर पहुंचकर शरबत पीते हैं। तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें अकेले मेले में आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी तो जेल में हैं। क्यों? गर्व से, अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। आश्चर्य से, और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो? तिरस्कार से हंसते हुए, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे कमा लूंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। बजाय शरबत पिलाने के आपने भी मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे दिए होते तो मैं अधिक प्रसन्न होता। जयशंकर जी लड़के को देखते रहते हैं। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, यदि माँ बीमार न होती तो मैं भी चला गया होता। कहाँ? जेल में। पर मैंने सोचा मैं क्यों ना खेल तमाशे दिखाकर कुछ पैसे कमाऊं और माँ का और अपना पेट भरूं। अच्छा चलो निशाना लगाने चलते हैं। दोनों उस दुकान पर पहुँचते हैं जहाँ निशाना लगाकर खिलौनों को गेंद से गिराया जाता है। जयशंकर जी 12 टिकट खरीद लेते हैं। लड़का एक एक करके 12 खिलौने जीत जाता है। उसका एक भी निशाना खाली नहीं जाता। सभी आश्चर्य से देखते रह जाते हैं खिलौने समेटते हुए। अब मैं इतने सारे खिलौने कैसे ले जाऊंगा? अपना रुमाल देते हुए, लो मेरे रुमाल में बांध लो, बाकी एक दो अपनी जेब में रख लो। खिलौने रुमाल में बांधकर व जेब में रखकर जाते हुए, अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। लड़का चला जाता है व भीड़ में गायब हो जाता है। जयशंकर जी यह सोचते हुए दूसरी ओर निकल जाते हैं कि इतनी जल्दी आंखें बदल लें, किंतु तभी झूले के ऊपर से आवाज आती है, बाबूजी। कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। दूसरा दृश्य, कलकत्ता का बोटैनिकल गार्डन। एक दरी बिछी हुई है जिस पर जयशंकर जी, उनकी पत्नी व कुछ मित्र बैठे हैं। सब जलपान कर रहे हैं, पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। तभी छोटा जादूगर वहां आता है। हाथ में झोला है, साफ कपड़े पहने हैं, सिर पर सूत की रस्सी में जयशंकर जी द्वारा दिया हुआ वही रुमाल बांध रखा है। बाबूजी नमस्ते, आप कहें तो आज मैं खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। छोटा जादूगर, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? क्रोध से झुंझलाते हुए, नहीं जी। जयशंकर जी की पत्नी,
बीच में बोलते हुए, आप रहने दीजिए छोटे जादूगर से, तुम खेल दिखलाओ जी, बहुत उब रहे हैं, कुछ मन तो बहलेगा। छोटा जादूगर एक कपड़ा बिछाकर मंच बनाता है, मेले में जीते हुए सभी खिलौने सजाता है, फिर खेल दिखाता है। वह ताश के पत्तों से जादू दिखाता है, रस्सी और लट्टू से भी जादू दिखाता है। अच्छा बस करो, बहुत देर हो चुकी, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। पत्नी एक रुपया निकालकर उसे देती है, वह खुशी से उछलने लगता है। लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। अच्छा, तुम इस रुपए का क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। लड़का नमस्कार करके चला जाता है। जयशंकर जी पत्नी से, अरे तुमने उसे 1 रुपया क्यों दे दिया? इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है? उसने इतना अच्छा खेल भी तो दिखलाया। क्यों ना हो, जरा सा तमाशा दिखाया और तुमने 1 रुपया पकड़ा दिया। पर वह लड़का काफी चतुर है, इसकी आवश्यकताओं और विवशताओं ने इसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया है। आप ठीक कहते हैं, शाम हो चली है, अब यहाँ से चलना चाहिए। सब सामान समेट कर चले जाते हैं। तीसरा दृश्य, एक झोपड़ी जो सड़क के किनारे है, नेपथ्य में कारों और लोगों के आने जाने का शोर सुनाई देता है। झोपड़ी के सामने छोटा जादूगर खड़ा है, नेपथ्य से कार रुकने की आवाज आती है। जयशंकर जी छोटे जादूगर के पास आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है, मेरी माँ यहीं रहती है ना, उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। झोपड़ी के अंदर झांक कर देखता है, एक टूटी चारपाई पर चीथड़ों से लिपटी एक औरत कांप रही है। छोटा जादूगर कंबल उसके ऊपर डालकर माँ माँ कहते हुए उससे लिपट जाता है। जयशंकर जी की आंखों में पानी आ जाता है। चौथा दृश्य, सड़क के किनारे छोटा जादूगर तमाशा दिखा रहा है। जयशंकर जी उधर से निकल रहे हैं, लड़के को देखकर रुक जाते हैं, थोड़ी देर उसका तमाशा देखते हैं, परंतु लड़के का स्वर बुझा हुआ है। क्या बात है, आज तुम्हारा खेल कुछ जमा नहीं? छोटा जादूगर उदास स्वर में, माँ ने कहा था आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तब भी तुम यहाँ खेल दिखाने चले आए? क्या ना आता मुझे। अच्छा चलो, मेरी कार में बैठो, जल्दी चलो। जयशंकर जी और छोटा जादूगर चले जाते हैं। नेपथ्य से कार के जाने की ध्वनि आती है। पांचवां दृश्य, छोटे जादूगर की झोपड़ी जिसमें उसकी माँ चारपाई पर लेटी है। छोटा जादूगर दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ माँ उठो, देखो कौन आया है। माँ धीरे से आंख खोलकर, बे, वाक्य पूरा नहीं होता, उसके हाथ उठते हैं और गिर जाते हैं। छोटा जादूगर अपनी माँ से लिपटकर रोता है। तो स्टूडेंट्स, हमने एनिमेटेड वीडियो देखा, जिसके माध्यम से हमने नाटक को पुनः देख लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हमें बताई गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसकी पीडीएफ। शब्दार्थ, संभ्रांत यानी प्रतिष्ठित या अच्छे परिवार का, नेपथ्य, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का भाग, तिरस्कार यानी कि अपमान या अनादर, पथ्य मरीजों का खाना, मंच वह स्थान जहां नाटक किया जाता है। मौखिक प्रश्न उत्तर देखेंगे। जयशंकर जी कहां घूम रहे थे, उन्हें वहां कौन मिला? जयशंकर जी कार्निवल में घूम रहे थे, उन्हें वहां एक लड़का मिला जो जादू का खेल दिखाता था। लड़के को मेले में सबसे अच्छा क्या लगा? लड़के को मेले में खिलौने पर निशाना लगाना सबसे अच्छा लगा। जयशंकर जी को लड़का दूसरी बार कहां मिला? जयशंकर जी को लड़का दूसरी बार कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन में मिला। लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। जयशंकर जी व लड़के ने मेले में सबसे पहले क्या किया? जयशंकर जी व लड़के ने मेले में सबसे पहले शरबत की दुकान पर पहुंचकर शरबत पिया। खिलौनों की दुकान में लड़के ने कितने खिलौने जीते? जयशंकर जी ने लड़के को खिलौनों की दुकान पर 12 टिकट खरीद कर दिए। उस लड़के का एक भी निशाना खाली नहीं गया और उसने 12
खिलौने जीत लिए। लड़का अपना परिचय किस नाम से देता था? लड़का अपना परिचय छोटा जादूगर नाम से देता था। लड़का जादू का खेल बहुत अच्छा दिखाता था, इसलिए वह अपने आप को छोटा जादूगर के नाम से परिचित कराता था। देखिए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। छोटे जादूगर के माँ बाप कहाँ थे और किस हाल में थे? छोटे जादूगर के पिता जेल में थे और उसकी माँ घर में थी। छोटा जादूगर के पिता देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और उसकी माँ निर्बल व बीमार थी। यदि शरबत न पिलाकर मेरा खेल देखकर दो पैसे दे दिए होते तो अच्छा होता, लड़के ने ऐसा क्यों कहा? यदि शरबत न पिलाकर मेरा खेल खेलकर दो पैसे दे दिए होते तो अच्छा होता, लड़के ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और वह जादू का खेल दिखाकर अपनी माँ के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहता था, इसलिए वह लेखक से भी खेल दिखाकर कुछ पैसे चाहता था ना कि शरबत पीना। जयशंकर जी की लड़के से बोटेनिकल गार्डन में हुई भेंट का वर्णन कीजिए। जयशंकर जी अपनी पत्नी व मित्रों के साथ पिकनिक के लिए बोटेनिकल गार्डन गए। वहां वे दरी बिछाकर जलपान कर रहे थे तभी वहां छोटा जादूगर आता है, हाथ में झोला लिए हुए, साफ कपड़े पहने हुए, सिर पर सूत की रस्सी में लेखक द्वारा दिया हुआ रुमाल बांध रखा था। देखते हैं दीर्घ प्रश्नोत्तर। आपके विचार से क्या भीख मांगने के अलावा गरीबी से लड़ने का और कोई तरीका नहीं है? उदाहरण के साथ लिखिए। हमारे विचार से भीख मांगना गरीबी दूर करने का उपाय नहीं है। गरीब होना कोई पाप नहीं है, किंतु गरीबी को अपनी कमजोरी समझना गलत है। इसके साथ लड़ने के लिए हमें मेहनत व मजदूरी करनी चाहिए। जो ताकत काम करने में है वो भीख मांगने में नहीं। मेहनत करके हम समाज में सम्मान के साथ जी सकते हैं। जिस प्रकार छोटे जादूगर ने भीख न मांगकर जादू का खेल दिखाकर ही अपनी बीमार माँ की देखभाल करने की सोच रखी, अतः भीख न मांगकर मेहनत से ही गरीबी से लड़ा जा सकता है। जयशंकर जी को ऐसा क्यों लगता था कि छोटा जादूगर स्वार्थी है? जयशंकर जी छोटे जादूगर को मेले में शरबत पिलाते हैं तो जादूगर उनसे कहता है कि आप मुझे शरबत पिलाने के बजाय मुझे कुछ रुपये दे देते तो मेरे कुछ काम आ जाते। तब लेखक उसे लालची समझते हैं। उसके बाद लेखक उसे 12 टिकट खरीद कर देते हैं। वह निशाने लगाकर 12 खिलौने जीत जाता है। तब लेखक उसे खिलौने बांधने के लिए अपनी रुमाल भी देता है। लड़का यह सब लेकर भीड़ में गायब हो जाता है। तब लेखक छोटे जादूगर को स्वार्थी समझते हैं कि काम निकल जाने के बाद गायब हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या बात है आज तुम्हारा खेल जमा नहीं, कौन किससे कह रहा है? यहाँ पर लेखक छोटे जादूगर से कहते हैं, श्रोता कहाँ और क्या खेल दिखा रहा है? श्रोता यानी सुनने वाला, तो यहाँ पर सुन कौन रहा है? लड़का। तो लड़का सड़क के किनारे तमाशा दिखा रहा था। उसका खेल क्यों नहीं जम रहा था? क्योंकि उसकी माँ की अंतिम घड़ी समीप थी और उसने उसे जल्दी घर बुलाया। बातचीत करने के बाद वे दोनों कहाँ गए, वहां क्या हुआ? बातचीत करने के बाद वे दोनों जादूगर की झोपड़ी में गए जहां उसकी माँ की मृत्यु हो गई। यहाँ पर आपको छोटे जादूगर की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। सही जो विशेषताएं उसके अंदर है उस पर सही और जो नहीं है उस पर गलत का निशान। छोटे जादूगर में बहुत आत्मविश्वास था, सही। वह बहुत स्वार्थी था, गलत। वह अपनी जिम्मेदारी समझता था, सही। माँ की उसे परवाह नहीं थी, गलत। वह मेहनत से कमाना चाहता था, भीख मांगने में विश्वास नहीं करता था, सही। उसमें देश प्रेम था, सही। उसमें स्वाभिमान था, सही। निम्नलिखित वाक्यों को सही वाक्यों से जोड़कर पूरा कीजिए। आज मेले में तुम ही मेरा साथ दो। अरे तुमने उसे 1 रुपया क्यों दिया? माँ ने कहा था आज तुम तुरंत चले आना। अच्छा अब बस करो, बहुत देर हो चुकी, अपना खेल बटोर लो। कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में और मेरे विचार से प्रश्नोत्तर हमने पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं भाषा और व्याकरण। छोटे जादूगर की विशेषता बताने वाले 5 विशेषण शब्द, निशानेबाज, जादूगर, चतुर, साहसी और मेहनती। आप देखें निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलने हैं। तो यहाँ पर हमें ने, पर, ने, से, ते, ही, कर आदि शब्द हमें जोड़ने पड़ेंगे बीच में। तो देखिए, जरा सा तमाशा दिखाया
और तुमने एक रुपया तुरंत पकड़ा दिया। तो यहां पर आपको लिखना है, जरा सा तमाशा दिखाते ही तुमने एक रुपया पकड़ा दिया। यहां पर जो और है, और ऐसे शब्द हैं उनका हमें लोप करना है। वह सभी खिलौने सजाता है फिर खेल दिखाता है। वह सभी खिलौने सजाकर खेल दिखाता है। छोटा जादूगर उठा और खेल दिखाने चल दिया। छोटा जादूगर उठकर खेल दिखाने चल दिया। कुछ पैसे दे दिए होते तो मैं अधिक प्रसन्न होता। कुछ पैसे दे देने पर मैं अधिक प्रसन्न होता। कुछ पैसे कमा लूंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। कुछ पैसे कमाकर माँ को पथ्य दूंगा। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी ठीक करके लिखिए। इसलिए, इसको हमें लिखना है इसलिए। बीमार, बीमार नहीं होता, बीमार होता है। पहुंच कर नहीं होता, पहुंच कर होता है। रुपया नहीं होता, रुपया होता है। खिलौने नहीं होता, खिलौने होता है। चारपाई नहीं होता, चारपाई होता है। बिछा कर नहीं होता, बिछा कर होता है। चितड़े नहीं होता, चिथड़े होता है। तो इस प्रकार ये हमारी बुक की एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर की पीडीएफ कंप्लीट होती है। आपको ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छे और साफ सुथरा लेख के साथ पूर्ण कीजिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। धन्यवाद।